यहाँ का जॉब नहीं मिल रही, कर्जा नहीं उतर रहा, मकान नहीं बना, ये चीजें जिंदगी में होती हैं हर एक के साथ। मगर इसका ये मतलब नहीं कि अब किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ नहीं किया। कोई हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे, और कोई हमें नफा नहीं दे सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। नफा और नुकसान अल्लाह के इख्तियार में है, अब वो हमारा परवरदिगार है, और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। हजरत अली ने फरमाया करते थे, ए अल्लाह मेरे लिए यही इज्जत काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है, मेरे लिए यही इज्जत काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है, और मेरे लिए यही फख्र काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। हम अल्लाह के बंदे हैं, इस बात पे हमें फख्र होना चाहिए कि हमारा मालिक कितना अजीम है, कितना बड़ा है। चुनाचे हदीस मुबारक में एक दुआ आती है कि नबी अलैहिस्सलाम पर जब कोई परेशानी मुसीबत आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगते थे, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या हय्यु या कय्यूम, ये अल्लाह ताला के अस्माए ग्रामी। तो या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ए अल्लाह अपनी रहमत के साथ मेरी मदद फरमा। जब बंदा अल्लाह को मदद के लिए पुकारेगा तो अल्लाह जरूर मदद फरमाएंगे। अब आप बताएं, क़यामत के दिन ऐसा मुमकिन है कि कोई बंदा ये कहे, या अल्लाह मैं तो आपको मदद के लिए पुकारता रहा, आपने तो मुझे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अल्लाह किसी बंदे से ये नहीं सुनेंगे कि जी मैंने पुकारा था और मैंने तो जवाब ना मिला। अल्लाह ताला अल्लाह ताला है, वो जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं, जरूर जवाब देते हैं, जरूर बंदे की मदद फरमाते हैं। हमें मांगना नहीं आता। हम इस दामन को देते थे, कसूर अपना निकल आया। तो असल बात यह है कि इंसान अल्लाह के साथ लौ लगाए, अल्लाह हबस बाकी हवस, और अल्लाह को मनाए, और फिर देखे कि अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद कैसे करते हैं, उसको कैसे इज्जतों से नवाजते हैं, उसको कैसे नेक नेक आमाल की तौफीक अता फरमाते हैं।